सकते हैं। महोबा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महोबा में बसपा और सपा प्रत्याशी के बीच गोलियां चली है। बसपा प्रत्याशी के बेटे पर गोली चलाने का आरोप लगा है। सपा प्रत्याशी के बेटे समेत 3 लोग इसमें घायल हुए हैं, घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। तो महोबा में इस वक्त महोबा से बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा बसपा प्रत्याशी के बीच गोलियां चली हैं। बसपा प्रत्याशी के बेटे पर गोली चलाने का आरोप है। सपा प्रत्याशी के बेटे समेत 3 लोग इसमें घायल हुए हैं और घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं महोबा में। अनुराग पचौरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, बसपा और सपा प्रत्याशियों के बीच गोली चले का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है समझना चाहेंगे? अनुराग, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है अनुराग तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम बता रहे हैं महोबा में सपा और बसपा प्रत्याशी के बीच गोली चली है और बसपा प्रत्याशी के बेटे पर गोली चलाने का आरोप लगा है। ये घायल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सपा प्रत्याशी के बेटे समेत 3 लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें कानपुर रेफर किया गया है। और महोबा के एसपी गौरव सिंह ने क्या कुछ कहा है सुनते हैं। महोबा विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं श्री गोपाल साहू जी, उनके पुत्र को गोली लगी है, श्री साकेत साहू जी को, उनके साथ में 3 अन्य लोग भी घायल हैं, इनके भी एक के फायर में इंजरी, बाकी 2 को भी चोट है। और दूसरी तरफ जो नाम दे रहे हैं वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनके पुत्र, साथ में 4 और लोग और 20 लोग अज्ञात का नाम दिया जा रहा है। रात में इनके बीच में इस संघर्ष हुआ है और बजरिया एरिया में रेलवे स्टेशन के पास में घटना हुई है। अनुराग पचौरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुट गया है। अनुराग, क्या ये पूरा मामला है, किस बात को लेकर गोलियां चली है दोनों प्रत्याशी के बीच, जानना चाहेंगे हम? हम आपको बता दें कि प्रत्याशी से गोपाल साहू के बेटे साकेत साहू और बसपा प्रत्याशी हरमंदर सिंह के पुत्र के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। वो कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो गोलीकांड में परिवर्तित हो गई। क्या कर रही पुलिस, क्या कहना पुलिस का, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? पुलिस मौके में पहुंचकर जांच कर रही है और दोनों पक्षों को किसी तरह मैनेज करके और चुनाव संपन्न कराने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। महोबा में बसपा और बसपा प्रत्याशी के बीच गोली चली है। बसपा प्रत्याशी के बेटे पर गोली चलाने का आरोप है। सपा प्रत्याशी के बेटे साकेत साहू समेत 3 लोग घायल हुए हैं, घायलों को कानपुर रेफर किया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो सपा और बसपा प्रत्याशी के बीच गोलियां चली हैं, सभी घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। सपा प्रत्याशी के बेटे समेत 3 लोग इसमें घायल हुए। पुलिस चौकी बजरिया का ये मामला बताया जा रहा है।